देखिए आज हम लोग जो है झारखंड बोर्ड का फिजिक्स का जो सैम्पल पेपर आया हुआ है उसका हम लोग बहुत ही कम समय में और पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ जो है सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो ध्यान से देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसा हम लोगों को पहले से पता है कि जो सैम्पल पेपर है उसमें कुल जो है वो 35 क्वेश्चन रहेंगे और सारा क्वेश्चन जो है हम लोग के लिए कंपलसरी है। तो लोग देखते हैं, उसको शुरू करते हैं, ध्यान समझिएगा। पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर वन कूलम ऑफ चार्ज इज, ठीक है, एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। इसको हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितनी होती है। हम लोगों ने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यानी कि आवेश का क्वांटीकरण पढ़ा हुआ है, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट में, और वहां से हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्यू इक्वल टू एन ई, ठीक है, जहां पे क्यू है, तो यहां पे क्यू क्या है हमारा चार्ज है, एन मतलब संख्या यानी कि नंबर्स को बताता है और ई मतलब इलेक्ट्रॉन्स को बताता है। यहां से फाइंड क्या करना है हम लोग को, एक कूलम आवेश के लिए इलेक्ट्रॉन की संख्या, दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है, नंबर को फाइंड करना है, ठीक है। कैसे करेंगे सर, क्यू मतलब हो गया वन इक्वल टू एन नहीं पता है और ई दैट मीन्स जो हमारा इलेक्ट्रॉन है उसका वैल्यू कितना होता है सर, 1.6 × 10⁻¹⁹। यहां से एन फाइंड करना है तो वन अपॉन ये आ जाएगा नीचे 1.6 × 10⁻¹⁹ और इक्वल टू कितना बच जाएगा एन। अब इसको जब सॉल्व करेंगे डेसिमल को हटाएंगे बैठेगा जीरो, मिला क्या हम लोगों को 10⁻⁶ जो 10⁻⁹ है, जब जाएगा ऊपर कितना जाएगा पावर +19 इक्वल्स टू कितना एन। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे यहां से तो मिलेगा 6.25 और × 10⁻¹⁸ इक्वल टू एन। यहां से हम लोग को एन का जो वैल्यू है इसको सॉल्व करने के बाद डिवाइड करने के बाद 6.25 × 10⁻¹⁸ हो जाएगा जो 19 है, एक पॉइंट डिस्प्लेस करने के बाद, यानी कि यहां से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। देख सकते हैं इसमें कौन से फॉर्मूला का यूज हुआ है, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूला का यहाँ पे यूज किया गया, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर टू की तरफ, देयर आर टू चार्जेस, वी हैव टू चार्ज ऑफ 1 μC एंड 5 μC, द रेशियो ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन देम। सवाल है इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसका रेशियो क्या होगा। तो हम लोग जो है दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसके बारे में कूलम्स लॉ में पढ़ा है हम लोगों ने कूलम्स लॉ में दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स के बारे में पढ़ा है। ध्यान से देखेंगे इसको हम लोग समझते हैं यहाँ से, ठीक है, कि दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स का जो है वो क्या होने वाला है, यहाँ से क्या इसका डिस्कशन होने वाला है। तो कूलम्स लॉ में हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है कूलम्स लॉ में, आप लोगों को याद होगा वो फॉर्मूला, एक बार हम शॉर्ट में उसको डिस्कस कर देना चाहेंगे। फॉर्मूला है हमारा F इक्वल टू जो फॉर्मूला है वो है F = K Q1 Q2 / R², ठीक है। हम लोगों ने जब वहाँ पे वेक्टर फॉर्म पढ़ा था सर, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दिया जाए, ये फॉर्मूला क्या बताता था। तो कूलम्स लॉ में हम लोग समझे थे कि जो फोर्स लगेगा दो चार्ज के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्ज का और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस का। अब यहाँ पे समझिए, कह रहा है सर दो ठो चार्ज ले लीजिए, हमने दो चार्ज ले लिया, वैल्यू कितना कितना 1 और 5 है सर, इस पे 1 μC का चार्ज है, इस पे 5 μC का चार्ज है और इसके बीच का जो सेपरेशन है जो दूरी है उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, मान लीजिए r डिस्टेंस है। हम लोगों ने वेक्टर्स में क्या पढ़ा था कि सर जितना F1 लगाता है 2 पर उतना ही F2 लगाता है 1 पर, यानी दोनों एक दूसरे पे बराबर बराबर फोर्स लगाता है। तो यहाँ से अगर आप F12 / F21 का रेशियो निकालेंगे तो ये आपको 1:1 मिलेगा, यानी जो इसका आंसर है वो होगा बी नंबर, दैट मीन्स 1:1 इसका सही आंसर है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे हम लोग, पहला का क्या आंसर हुआ तो ऑप्शन नंबर ए, दूसरे का आंसर कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर थ्री। देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बताया जा रहा है, क्या है समझते हैं इसको हम लोग। क्वेश्चन नंबर थ्री में बोल रहा है 3 capacitors each of capacitance, ठीक है, हमारे पास 3 capacitor है सर और तीनों का कैपेसिटेंस कितना है सी है, तो हमने इसको सीरीज में जोड़ा है, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप देख सकते हैं क्षमता सी के 3 संधारित्र को हमने श्रृंखला क्रम में जोड़ा है, ठीक है। और सर जो सीरीज कॉम्बिनेशन का जो बिल्कुल आसान से जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे याद करेंगे, 1 C equivalent = 1 C + 1 C + 1 C, सर ये कैसे हो गया, तो कह रहा है सबका कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है सी दिया हुआ है। जब उसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा 1 C equivalent = नीचे LCMC 1 + 1 + 1, दैट मीन्स कितना सर मिलेगा 3 C। जब इसको यहाँ से हम पलट देंगे तो सी इक्विवेलेंट कितना मिलेगा, ये चल जाएगा ऊपर या जाएगा नीचे, यानी C/3 जो हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है C/3। देख सकते हैं ये अगर
सीरीज में बोल रहा है, श्रृंखला क्रम में, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज किए, ठीक है, जो हम लोग चैप्टर टू में पढ़े हुए हैं। और अगर बोलता सर कि ये समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा यूज करते हैं, सी इक्वेंट इक्वल टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, यानी ये फॉर्मूला होता है पैरेलल का और ये फॉर्मूला है हमारा सीरीज का, ठीक है। और इस क्वेश्चन में जो है वो सीरीज में पूछा हुआ है, तो हम लोग इसका यूज करेंगे, जो कि आंसर रहेगा इसका हमारा सी नंबर। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर की तरफ, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इसका आंसर सी था। फोर में है, इफ अ हॉलो स्फीयर होगा, यहाँ पे ये हॉलो स्फीयर दे दिया है, हॉलो स्फीयर होगा, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर बी चार्ज्ड पॉजिटिवली। जब हम एक हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर को, हॉलो स्फेरिकल मतलब बीच से खाली लेकिन चारों तरफ से पैक्ड है ये, इसको पॉजिटिवली चार्ज करेंगे कुछ इस तरह से, चारों तरफ से इसको बराबर बराबर चार्ज देंगे, तो इसके बारे में क्या होगा, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड इट, तब इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। आपको यहाँ पे बता दिया जाए, इस तरह का टर्म जो है हम लोग वो गॉसेज लॉ में भी देखे हुए थे, लेकिन वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बात हो रहा था, और ये बात यहाँ पे हो रहा है किसका, पोटेंशियल का, जो हम लोगों को चैप्टर टू में पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रोस्टैट में जानना है। थोड़ा सा डीप जाने का प्रयास करते हैं। सर इनसाइड में निकालना है तो कितना होगा, तो आपको यहाँ पे हम बता दें कि इसके इनसाइड में अगर ये हॉलो स्फेरिकल है और अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी निकालना रहता तो हम लोग इसको जीरो कहते, क्योंकि इंटेंसिटी अंदर में जीरो होता है, लेकिन अगर बात कर रहा है पोटेंशियल का, तो पोटेंशियल इसमें क्या होगा, तो पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, यानी पूरे सरफेस पे, जैसा इसके सरफेस पे है वैसा ही इसके इनसाइड में भी पोटेंशियल होता है, यानी पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म होता है। हमने जहां तक देखा कि किसी किसी में जो इसका सॉल्यूशन आया हुआ है, कुछ लोगों ने या फिर जैक का सैंपल में शायद इसको आंसर किया गया है पॉजिटिव एंड नॉन यूनिफॉर्म, तो अगर ये नॉन यूनिफॉर्म, यानी अगर ये मेरा यूनिफॉर्मली चार्ज नहीं रहता, ये जो पूरा का पूरा सरफेस है, तब ये जो है हमारा नॉन यूनिफॉर्म होता, लेकिन जब ये पॉजिटिवली चार्ज है और जो हॉलोस्फेरिकल शेप है, तो ये जो हमारा आंसर होगा इसका वो बी सही आंसर है, पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव देखने का प्रयास करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या कह रहा है, ठीक है, द वी आई ग्राफ फॉर अ कंडक्टर मेक्स एन एंगल थीटा। वी आई ग्राफ है सर, और थीटा एंगल बना रहा है किसके साथ, वी एक्सिस के साथ, यानी कंडक्टर के लिए वी आई ग्राफ में वी एक्स के साथ एक कोण बनाता है, यहाँ भी वोल्टेज को दर्शाता है तो विद्युत को दर्शाता है, तो कंडक्टर का प्रतिरोध किस प्रकार दिया जाएगा, किस कोण से दिया जाएगा, बहुत आसान है, बस ध्यान से एक बार देखिएगा, आपको पूरा बात समझ में आने वाला है। सर यहाँ पे हम लोग जो है ये V और ये I, वी आई ग्राफ को बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा वी आई ग्राफ हो गया, और ये जो है इस तरह से हमारा ये दिखा रहा है एरो मार्क्स के फॉर्म में, हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब क्या कह रहा है सर, वी आई ग्राफ में वी एक्स के साथ थीटा डिग्री कोण बन रहा है, यहाँ मान लीजिए कितना कोण बना सर, थीटा डिग्री, किसके साथ बन रहा है सर, वी एक्स के साथ, इस वी एक्स के साथ कोण बन रहा है। आगे बढ़ रहे हैं सर, यहाँ पे हम लोग इस जो ये जो लाइन है सर, ये जो लाइन है आई को डिनोट कर रहा है, ये वी को कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से ये कहें रेसिस्टेंस यानी कि आर, तो सर हम लोग ओम्स लॉ में क्या पढ़े हैं, ओम्स लॉ में हम लोगों ने पढ़ा है, ओम्स लॉ में एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ओम्स लॉ में पढ़े थे वी इक्वल टू आई आर, यहां से निकालेंगे R इक्वल टू, तो कितना मिलेगा हम लोग को, V बाई आई, ये होता है R का वैल्यू कितना, V बाई आई, ध्यान समझेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम थीटा निकालते हैं और लिखते हैं टेन थीटा, तो सबको पता है परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मीन्स I बाई V, I अपॉन V होता है टेन थीटा का वैल्यू, लेकिन इसको हम पलट देंगे यानी वन बाई टेन थीटा, तो कितना मिलेगा सर, V अपॉन आई, और हम यही जानते हैं V अपॉन आई कितना होता है, R होता है, यानी 1/10 को हम लोग बोलते हैं सर cot थीटा, यानी जो cot थीटा है हमारा वो यहाँ पे आंसर होगा, जो v और i की रेशियो को दिखाएगा, कब, जब ये थीटा जो है हमारा वो बनेगा v के साथ, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है सर वो होने वाला है d, यानी कि cot थीटा, ठीक है। हो सकता है कहीं कि इसका सॉल्यूशन में कुछ और आंसर दिया हुआ होगा, लेकिन हम लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, कि जो है ये हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कौन सा जो है वो ऑप्शन सही बैठ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर पाँच, क्वेश्चन नंबर फाइव का जो आंसर है वो है आंसर नंबर डी, जो इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। द इक्वेशन, आपको ये दिख रहा होगा सर ये आई आर, हम लोग ई एम एफ का बात किए थे और हम लोग वोल्टेज का बात किए थे, जो ई एम एफ और वोल्टेज है, ध्यान समझने का प्रयास करना है। इसके बारे में हम लोग कब पढ़े थे, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट किए थे, करंट के बारे में पढ़ना शुरू किए थे, तो हम लोगों ने किरचॉप्स का लॉ पढ़ा था। किरचॉप्स का पहला लॉ है सर,
वो है जैक्सन रूल। तो यहाँ पे कहीं भी हम लोग जैक्सन रूल का कोई जिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि जैक्सन रूल के बारे में हमको पता है सर कि जैक्सन रूल जो होता है वो किसी पॉइंट चार्ज पर आने वाली करेंट्स के बारे में एक्सप्लेन करता है, ठीक है। लेकिन ये जो है यहाँ पर ये सिग्मा जो हमको दिखाया जा रहा है ईएमएफ और वोल्टेज के फॉर्म में, तो हम लोगों ने सेकेंड लॉ जिसको लूप रूल कहते हैं उसमें पढ़ा है, जिसको हम लोग केवीएल भी कहते हैं, किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ, उसमें ये पढ़ा है क्या कि किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ के हिसाब से जो टोटल ईएमएफ था और जो पोटेंशियल था उसका सम जीरो होता है। यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा किरचॉफ्स सेकेंड लॉ, वही बताता है, इस इक्वेशन को समझाता है कि ईएमएफ में और वोल्टेज में क्या रिलेशन है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसको ध्यान से हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे, बहुत ईजी सा टर्म है। क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। इसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है यहाँ पर कि पोटेंशियोमीटर क्या है। तो सर पोटेंशियोमीटर का जो वैल्यू है, जो बैलेंसिंग लेंथ कह रहा है, जिसके बारे में आप कह सकते हैं E इक्वल्स टू, हमने फॉर्मूला भी पढ़ा हुआ है पोटेंशियोमीटर में चैप्टर 3 में, पीछे पलटेंगे आपको दिख जाएगा वहाँ पे फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग। तो E इक्वल टू हम लोग पढ़े थे सर K इंटू L1, ठीक है। आगे सेल को 4 ओम प्रतिरोध के साथ रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है 4 ओम, जब जोड़ेंगे तो जो संतुलन बिंदु है इसका वो कहाँ मिलेगा सर 60 सेंटीमीटर पे आ जाता है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि यहाँ से हम कह सकते हैं क्या सर जो नया पोटेंशियल मिला, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो L1 और L2 हमारा दो बार चेंज हो गया, पहले बार 120 था 60 पर आ गया। सब सवाल है सर कैसे आया, क्या किए कि 120 से 60 पे आ गया। तो आप लोगों ने एक टर्म का नाम सुना होगा संट, ये संट क्या होता है सर। तो क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि जब इसको हम बैलेंसिंग पॉइंट को संटिंग किए, जब इसको संटिंग करेंगे, संट का मतलब स्मॉल रेसिस्टेंस को सर, स्मॉल रेसिस्टेंस को हम लोग ऐड करेंगे और पैरेलल टू द सरफेस ऐड करेंगे, यानी पोटेंशियोमीटर के साथ अगर हम उसको पैरेलली ऐड करते हैं किसको सर संट को, संट क्या है एक स्मॉल रेसिस्टेंस है, तो हमारा जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। बाहर बाहर से संटिंग किया जा रहा है, पैरेलली संटिंग किया जा रहा है, जिससे कि इसका वैल्यू चेंज हो जा रहा है। तो इस वाले केस में आपको हम बता देना चाहेंगे, बहुत डीप नहीं जा सकते हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, हमने फॉर्मूला यहाँ पे पढ़ा है, उस हिसाब से एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इक्वल्स टू इंटरनल रेसिस्टेंस हो जाता है। आप एक बार डीप जाके पोटेंशियोमीटर टॉपिक को देख सकते हैं, इस फॉर्मूला का जिक्र किया गया है, किस टॉपिक में किया गया है सर, सेकेंड एप्लीकेशन में किया गया है, जिसका नाम है कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। जब हमने कंपेयर किया है किसको, ईएमएफ ऑफ टू सेल को, ईएमएफ ऑफ टू सेल को, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि किस तरह से हम लोग जो है इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, इसके हिसाब से संटिंग करने के बाद इंटरनल रेसिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो जाएगा, इसलिए हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा इसका 4 ओम, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान से देखें क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हम लोगों का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करेंगे, पूरा बात हम लोग को समझ में आने वाला है। देखा जाए, हम लोगों को फाइंड करना है उस स्थिति की पहचान कीजिए जिसके अंतर्गत एक समान चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से चलने वाले आवेश पर कार्य करने वाला बल क्या होगा, अधिकतम होगा। सर बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ा है, एक स्थिति का पहचान करना है जब यह मैक्सिमम होता है, जब यह मैक्सिमम होगा। ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, हम एक बार इसको थोड़ा स्वाइप कर देते हैं। आइडेंटिफाई द कंडीशन अंडर विच द फोर्स एक्टिंग, फोर्स जो है हमारा वो क्या है सर, मैक्सिमम होगा किस कंडीशन में मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर आपको हम बता दें, इसका आंसर होने वाला है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। सर कैसे, कौन से फॉर्मूला का यहाँ पे यूज़ हुआ है, इस बात को हम लोग समझते हैं। एक बार हम लोग पहुँचते हैं कहाँ पे, तो मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में मैग्नेटिज्म में पढ़ाया है, चैप्टर 4-5 में हम लोगों ने डिस्कस किया है, और इस बात को हम लोग समझे थे वहाँ से कि सर F इक्वल टू जो होता है वो होता है सर Q VB sin थीटा, ये फार्मूला हम लोग पढ़े थे। अब यहाँ से देखेंगे जो F है Q पे, V पे और B पे तो डिपेंड कर रहा है, साथ साथ साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और साइन थीटा में जब साइन 90 डिग्री लेंगे तो इसका वैल्यू 1 होगा, और इस केस में जो है ये हमको मैक्सिमम वैल्यू देगा, इसके अलावा हम कोई भी वैल्यू लेते हैं तो इसका जो वैल्यू है वो मैक्सिमम नहीं हो पाएगा, और उसका वैल्यू धीरे धीरे मैक्सिमम वैल्यू से डिक्रीज कर जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ध्यान से देखेंगे, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ,
जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है हम लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है सर, समझा जाए इसको, एक न्यूमेरिकल है, एकदम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखा जाए क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 में कि कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे लिए, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम है, देखेंगे ध्यान से। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है व्हाट टॉर्क एक्ट्स ऑन अ 70 टन कॉइल, एकदम आसान क्वेश्चन, टॉर्क फाइंड करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। 70 टर्न है, नंबर ऑफ टर्न को दिखाते हैं सर एन से, एन बराबर 70, ये भी ठीक है। कॉइल ऑफ 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब यहाँ पे जो एरिया कह रहा है सर वो है 400 कितना सेंटीमीटर स्क्वायर, जब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है 10^-4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर था। आगे कैरिंग करेंट ऑफ 20 एम्पियर, सर करेंट को दिखाते हैं हम लोग आई से, तो कितना हो गया 20 एम्पियर। With its axis at the right angles to uniform magnetic field, right angle यानी theta equal to 90 degree, तो बताना है उस समय जो magnetic field है यानी जो B है वो कितना है सर, 0.2 टेस्ला। हम लोग सारे symbolic representation को पहले जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या torque को दिखाते हैं tau symbol से, number of turns को N से, area को denote कर दिया जा रहा है A से, यहाँ पे हमारा जो I है जो करंट कितना है 20 एम्पियर, थीटा मतलब राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड यानी B कितना है 0.2। अब इसको सॉल्व करना सर, टाउ इक्वल टू क्या होगा, बहुत ही आसान फॉर्मूला है, हम लोग पढ़े हैं सर, टाउ इक्वल टू कितना BINA साइन थीटा, ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा, बिना साइन थीटा, इसी फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन बना है। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखिए, इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं, ध्यान से इसको देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ये थोड़ा सा जगह कम है, B 0.2 इंटू आई, आई कितना है सर, आई कितना है सर 20 बैठा दीजिए सर, N कितना है 70 इंटू A कितना है हमारा, A है ये वैल्यू A का हो गया 400 इंटू 10^-4 बाई, नीचे आएंगे सॉरी नीचे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पे सारा कहानी ऊपर में ही टिका हुआ है, और इसके बाद यहीं पे इंटू करते हैं, और साइन थीटा में साइन 90 कितना हो जाएगा 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो मिला टाउ इक्वल्स टू, अब ऊपर ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ये है 10^-4, 400 का 2 जीरो, उसको देखो बढ़िया से देखो काट रहे हैं कैसे, ध्यान समझना, 1 जीरो 2 जीरो और 2 यहाँ पे 4 जीरो, इसके साथ कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान सा कैलकुलेशन है, देखो क्या मिलने वाला सर 0.2 इंटू 7 2 जा 14, 4 जा कितना हो जा रहा 56, तो टाव इक्वल टू कितना मिला 0.2 × 56। अब आएंगे ऑप्शन में, ये ऑप्शन में कहीं भी इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, जो यहाँ पे सॉल्व किया गया है उसमें ये टाउ का वैल्यू हो सकता है, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू 1 लेके ट्राई किया होगा, 1 पे ट्राई किया होगा, तब इसका आंसर 56 आएगा, लेकिन जो डेटा दिया हुआ है अगर हम उस पे सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 56 × 2 0.2, यानी कि इस 4 में से कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसको 0 बैठाते हैं और कैलकुलेट करते हैं, तो उसका आंसर आएगा 112/10, दैट मीन्स 11.2 इसका फाइनल आंसर है, और 11.2 हमारे ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए इसमें से इसका कोई भी आंसर, कोई भी ऑप्शन नहीं होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखने में बहुत ही ईजी क्वेश्चन लग रहा है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। अ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, अ मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर यानी कि एक मूविंग क्वाइल जो गैल्वेनोमीटर है उसको ए मीटर में परिवर्तित करना है, ए मीटर बनाना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर, ए मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे संटिंग करके हम लोग इसको ए मीटर या वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। संटिंग बताया गया था आपको, पैरेलल भी किया जाता है और सीरीज में भी किया जाता है, ठीक है। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग सर, संटिंग क्या था, एक स्मॉल अमाउंट का रेसिस्टेंस को ऐड करना था, तो यहाँ पे जब हम क्या करेंगे, ऑप्शन पढ़ते हैं, इंट्रोड्यूसिंग शंट रेसिस्टेंस ऑफ अ लार्ज वैल्यू इन सीरीज, इंट्रोड्यूसिंग शंट रेसिस्टेंस इन स्मॉल वैल्यू ऑफ पैरेलल, इंट्रोड्यूसिंग रेसिस्टेंस ऑफ स्मॉल वैल्यू इन सीरीज और इंट्रोड्यूसिंग रेसिस्टेंस ऑफ लार्ज वैल्यू इन पैरेलल, समझना है हम लोग को कैसे ऐड करना है, तो जो उसका सही आंसर होने वाला है वो है कि हम इंट्रोड्यूस करेंगे इसको और संट को कैसे करेंगे, तो पैरेलल में करेंगे ताकि जो है हमारा ये ए मीटर में कन्वर्ट हो जाए, और अगर सीरीज में करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वोल्ट मीटर में, जो हम लोगों ने चैप्टर 3 के लास्ट में पढ़ रखा है इसके बारे में। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 to 10 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ फॉर्मूला विथ रीजन, इसको आप अच्छे समझेंगे, और बहुत जल्द हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से
आगे लेके सॉल्यूशन आने वाले हैं, तब तक आप इसको देखें। अगर किसी तरह का आपको कोई परेशानी लगता हो, कोई क्वेश्चन मन में हो कुछ इस तरह का हो, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको इम्प्रूव करके और आगे लाने का प्रयास करें। थैंक यू।